हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल वर्क्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड कंपास। ठीक है, सिर्फ स्केल एंड कंपास, पेंसिल इरेजर वगैरह यूज करेंगे से हम एंगल बनाएंगे और प्रोटेक्टर से हम मेजर करेंगे कि एंगल हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एंगल 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऐसे, जितना अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज रेंडम अपनी चॉइस का एक लाइन सेगमेंट। अब क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा इसलिए मैं इसे स्केच कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नॉर्मली पेंसिल से ही करना है। तो ये ड्रॉ करी मैंने लाइन सेगमेंट बी सी। अब पहला काम क्या होता है, देखो ये हमारे पास सेंटर है, इससे एक डी बनाना होता है हमें, कोई भी अपनी चॉइस की रेडियस लेकर। तो सेंटर जो बी है उसके ऊपर ये वाली हैंड हम रख रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये देखने के लिए मैं ऐसे करती हूँ ऐसे। अब ड्रॉ करना है एक डी, यानी ऐसे जैसे भी बन रहा हो सिंपल, ये हमने एक डी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब रेडियस को बिना चेंज करे दो कट लगाने हैं। ये जो पहला कट यहाँ पे आया है ये, ठीक है, ये हमारा होता है 0 डिग्री का एंगल। तो 0 डिग्री से सेम रेडियस पे अगर एक कट ले रहे हैं हम या एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो ये हमारा पहला आर्क जो कट किया है ये आएगा डार्क कर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं करनी है, रेडियस जितनी थी उतनी ही लेनी है। अब इसी रेडियस से एक और कट अगर मैं ले लूं तो ये बनेगा हमारा 120 डिग्री। ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज 120 डिग्री। ठीक है, और ये यहां पे लाइन को अगर मैं स्केच ज्वाइन करूं आगे ऐसे करके ज्वाइन हो रही होगी ये लाइन, ठीक है, डॉटेड ज्वाइन कर रही हूं। तो यहां जो कट हो रहा है वो होता है 180 डिग्री। तो ये बेसिक एंगल्स हैं। ये जो डी ड्रॉ किया हुआ है मैंने वो भी विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है, इससे विजिबल होता नहीं है, पेंसिल ना थोड़ी हल्की रहती है। अब ये हमारा थोड़ा एंगल खराब हो गया है। सिंपल डी ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, फिर सेम रेडियस से एक 60 का कट आएगा 0 से, फिर 60 से 120 का कट, और ये रिमेनिंग रह जाएगा 180 का। ठीक है, अपने सेंटर से बी सेंटर था, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 60 पे जहां कट हुआ था आग का ये 60 डिग्री का एंगल है, 120 पे जहां कट हुआ था ये 120 का एंगल है। अगर मेजर करना चाहें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये सेंटर होता है, सेंटर को सेंटर के ऊपर रखते हैं ऐसे, मेजरमेंट देख लेते हैं, क्योंकि इसकी अपनी थिकनेस होती है ना तो थोड़े स्टिक हो जाएंगे। तो ये 0 पे है लाइन, लाइन के ऊपर ये 60 पे आ रहा है और ये आ रहा है 120 पे। पेंसिल हमेशा शार्प यूज करते हैं, देखो जितनी ज्यादा टिप होगी इसकी उतनी ही लाइन जो होगी उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, ब्रेथ बढ़ती जाएगी, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। हमें कोशिश करनी है बिल्कुल ऐसे एक शार्प हो। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं 18A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो वो नहीं कर रहे। ठीक है, डायरेक्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड में हमें क्या गिवन है पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, अगर मैंने यहाँ बीसी बनाया तो उससे कितना है, ठीक है, नजर नहीं आएगा। तो बीसी लेना है एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनाते हैं, सपोज दिस इज बीसी 4 सेंटीमीटर, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। स्केल से मेजर करके 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर एंगल बनाना है। मैं आने देती हूँ, बीसी बनाने हैं 4 सेंटीमीटर, एंगल बनाना है हमें, एंगल का नाम दिया है हमें एबीसी, ए बी सी 60 डिग्री। ठीक है, देखो 60 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री सी पे बनाना है या बी पे बनाना है इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो बी वाला होता है ये एंगल होता है, ठीक है, तो बी को 60 बनाना है, यानी इस पे 60 ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास लेंगे, कोई भी अपनी चॉइस की रेडियस लेते हैं, बी को सेंटर मानना है, बी को सेंटर मान के एक रेडियस ड्रॉ करनी है ऐसे, बी से रख के घुमा देने से। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूं, ये पॉइंटेड एज है, ये पेंसिल है, ऐसे रख के ऐसे घुमाना है। तो मैंने डी ड्रॉ करा ऐसे, ठीक है, 60 के लिए क्या बताएगा, पहला कट जो यहां से आएगा वो 60 का होगा, सेम रेडियस, रेडियस चेंज नहीं करनी है, ये 0 है, 0 पे रख के पहला कट ऐसे ड्रॉ किया यहां से ऐसे, ठीक है, ये 60 डिग्री का कट आया। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं, बस इतना काम है, ये स्केच ज्वाइन होगा यहां से,
ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए ऐसे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट पास करना है। तो ये जो हमारे पास ड्रॉ हुआ है इसको ए बोल देते हैं, ए बी सी, ये है 60 डिग्री। बहुत इजी है, पेपर से करोगे, आराम से पेपर पे करोगे, कंपस की हेल्प से तो हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास बड़ा बड़ा कंपस नहीं है तो हाथ से करना पड़ रहा है, इसका एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, एग्जैक्टनेस कम है। नेक्स्ट पे आना है, नेक्स्ट इज ड्रॉ एबीसी 45। इस बार प्रयोग कर देते हैं, पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी, एंगल ए बी सी इक्वल्स 45 डिग्री। फर्दर BC is 5 सेंटीमीटर, देखो इस बार क्या क्या गिवन, BC 5 सेंटीमीटर है और AB की लेंथ दे रखी है, शायद AB is 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है वैसे आगे हम करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, रफ स्केच ना, ABC 45, प्रोटेक्टर से देखो 45 ऐसे बनता होगा, ऐसे A B C ये 45 है, ठीक है, BC हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और AB क्या है, ये है AB, ये है 4.6। तो ये होता है रफ स्केच, हम किसी का भी पहले रफ स्केच बनाएंगे फिर इसको देख के फेयर कर देंगे, ठीक है। हम इसे देख रहे हैं कैसे बनेगा, सबसे पहले BC बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, मैंने स्केल लिया, ठीक है, मेजरमेंट मेरी थोड़ी बड़ी होगी, इसका मैंने पहले बताया एग्जैक्ट छोटी नहीं ले सकते हैं, स्केल रख के ड्रॉ करना है। BC ड्रॉ करा 5 सेंटीमीटर, दिस इज B, दिस इज कितनी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें करना है 45 ड्रॉ, प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो 45 कैसे करते हैं, एंगल 45 का डबल होता है 90 और 90 बनेगा 0 प्लस 90 से, हमें 0 क्या होती है 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री के सिवा जो भी एंगल्स बनाने होते हैं वो किसी ना किसी दो एंगल्स को बाइसेक्ट करके ही बनते हैं, ठीक है, 0, 60, 180 और 120 के अलावा जो भी है। तो अब यहां अगर डी बनाओ ऐसे, ये नीडल है, ये पेंसिल है, ऐसे करके घुमाना है, तो ये डी हमारे पास ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये होता है 0 और ये जहां ज्वाइन हो रहा होगा यहाँ ये होता है 180, डायरेक्ट बनने आ गए ना 0 और 180। उसके बाद ये जो रेडियस रखी है इसी रेडियस से 0 से कट कराएंगे तो 60 पे आएगा और फिर 60 से कट कराएंगे तो 120 पे आएगा, ठीक है, ये 60 है, 60 से कराया 120, तो ये वाले तो हमें आ जाएंगे 60, 120। बट हमें बनाना है 45 होता है 90 का हाफ, जिसका हाफ होता है वो एंगल बनाना है, उसे बाइसेक्ट करना है, दैट मींस हमें पहले 90 बनाना है, ठीक है। 90 किसका बनता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, 90 किसका हाफ होगा, 90 का डबल होता है 180, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल्स जो 180 बनाते हैं और हमारे पास हो वो है 60 और 120, दैट मींस 60 प्लस 120 का बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 60 और 120 को। तो ये है हमारे पास 60, ये है हमारे पास 120, इन्हें बाइसेक्ट करना है, क्या करना है, कंपास लेना है, कोई सी भी रेडियस लेनी है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है जिन एंगल का नाम दिया है ना उन एंगल को डी पे देखना कहां पे है, वहां पे पॉइंट रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, और फिर दूसरे एंगल से भी एक आर्क ड्रॉ करनी है जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। 60 पे मैंने रखा और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करी तो ये ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, फिर मैंने 120 पे रखा, ऐसे ड्रॉ करी 120 से, ऐसे कट हो जाएगी ऐसे, ठीक है, एक 60 से और एक 120 से, जहां ये कट हो रही है वहां एंगल 90 फॉर्म होगा, ऐसे रख के मैं ज्वाइन कर रही हूं, ठीक है। ये हमारे पास जो ड्रॉ हुआ है डॉटेड लाइन, ये ड्रॉ करी है मैंने 90 डिग्री, ठीक है, मैंने डॉटेड क्यों करी है क्योंकि हमें चाहिए 45 और 45 किससे आ रहा है, 45 आ रहा है 90 और 0 को बाइसेक्ट करके, अब 90 को बाइसेक्ट करना है, ऐसा हो सकता है 90 डिग्री, 90 को बाइसेक्ट करना थी, एक आंख हमें 0 से लेनी है ऐसे, ऐसे ड्रॉ करनी है और एक आंख हमें 90 से ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये रखा 0 पे, एक आंख ड्रॉ कर दी, यहां कहीं आ जाएगी, फिर 90 पे बोल रही थी इस 9 पे रख दो, इस बी के ऊपर यहां रखा और यहां कर दोगे ऐसे, ठीक है। तो यहां जहां पे भी कट हो रहा है ये हमारा बनाता है 45 से एंगल, फिर हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये हमारा ए आ रहा होगा, अभी ए नहीं लिखते, अभी एक्स लिखते, ठीक है, ये लाइन हमारी एक्स आ गई 45 आ गई। अब देखो हमें क्या चाहिए, ये आ गया, ये आ गया, हम
हमें 4.6 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्केल में 4.6 देखना है और इसमें ऐसे 4.6 मेजर करना है, ठीक है। जैसे सपोज मैं बड़ा लूंगी, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 4.6 सपोज ऐसे है, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है 4.6, ठीक है, यहां से यहां 2.6। तो क्या किया, ऐसे कंपास को ओपन किया, इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर रखा, ऐसे कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर रख के 4.6 ले सकते हो। और हमें क्या चाहिए, डी जो है वो ए से 4.6 दूर है, ठीक है, ये 4.6 दिख रहा है, 4.6 दूर है, तो हमें बी से कट लगाना है, जहां पे कट आएगा वो हमारा पॉइंट ए होगा। बी से ऐसे कट लिया, यहाँ कहीं आया सपोज, तो ये पॉइंट हमारा ए है, ए तो थोड़ा ही कहीं पे भी हो सकता है ना, बट इन्होंने बोला 4.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो बी और ए का डिस्टेंस हो गया 4.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी 90 डिग्री, ड्रॉ बीपी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल पीबीसी, ठीक है। हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल 90 डिग्री का, सबसे पहला काम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, सारा काम पेंसिल से होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी हमने, अपनी चॉइस की लेंथ लेनी है, अगर गिवन नहीं है, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। अब कोई भी सुटेबल रेडियस लेकर डी ड्रॉ करना है, बी के ऊपर से ऐसे रखना है, देखो बी पे रखा है और एक रेडियस लेकर हमने ड्रॉ कर दिया है डी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये जो डी ड्रॉ हुआ है ये विजिबल नहीं हुआ, इसलिए मैं डार्क कर रही हूं, ठीक है, ऐसे डी ड्रॉ करना है। अब जो हमने रेडियस ली थी उसे बिना चेंज किए मैंने बताया है ये 0 डिग्री होता है पहला कट, 0 डिग्री से एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास होगी 60 डिग्री की आर्क, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ करी है, ये आर्क बनी है 60 डिग्री की ऐसे। अब 60 डिग्री की आर्क से एक और आर्क ड्रॉ करनी है सेम रेडियस की, जो कि होगी 120 डिग्री की आर्क, क्योंकि ये कलर्ड ले रही हूं मैं तो इनकी थिकनेस बढ़ रही है, तो आंसर थोड़े से वेरी करेंगे, ये 60 डिग्री, ये 120। देखो 90 डायरेक्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट बनते हैं 0, 60, 120 एंड यहां कहीं बनेगा 180, ठीक है। 90 दो एंगल्स को कट करके ही बनेगा, बाइसेक्ट करके, बाइसेक्ट करने के लिए डबल लेते हैं, 90 का डबल होता है 180, ठीक है, और जो हमें एंगल बनाने आते हैं 0, 60, 120 और 180, इनमें से अगर मैं 60 और 120 ले लू, 60 प्लस 120 और इन्हें बाइसेक्ट कर दू, यानी इन्हें ऐड करके अगर हाफ करके देखूं तो 180 का हाफ होता है 90, दैट मीन्स हमें कौन से बाइसेक्ट करने हैं, 60 और 120। कंपास लिया, कोई से भी सुटेबल रेडियस ली, एक आर्क 60 से ड्रॉ करिए ऐसे, ठीक है, और सेम रेडियस पे एक आर्क 120 से, देखो 120 पे रख लीजिए इस बार ऐसे, एक 60 से एक 120 से, ठीक है, थोड़ा सा मेजरमेंट फर्क आएगा, हमने पहले बता दिया है क्योंकि थिकनेस ज्यादा हो गया। अब ये जो पॉइंट आया ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट होगा, इसे मैच करना है या ज्वाइन करना है एंगल बी से ऐसे स्ट्रेट रख के, ठीक है, तो मेजर करते हैं, ये एंगल हमारे पास आया है 90 डिग्री, ये होता है सेंटर, सेंटर को यहां पे रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसे बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री जैसे ये है हमारे पास, तो बाइसेक्ट करना है, एक इस वाली आर्म से मैं ले रही हूं ऐसे, कितने भी रेडियस का ले सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ करा और बिना चेंज करे एक मैं यहां से ले लिया, ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये विजिबल नहीं है, अगेन इसे विजिबल करने के लिए मैं डार्क करती हूं, ऐसे रख दू शायद थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। अब दूसरा हमने करना है 90 से, डी के ऊपर से ही करना है, डी से नहीं हटाना, ठीक है, तो 90 से ड्रॉ किया तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, तो प्रीवियस लाइन के हिसाब से यहां पर कट आ रहा है, इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल को कट करवा रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, ले लिया है पी, तो ये बना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल पी बी सी,